हेलो एवरीवन, आपको स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। आज मैंने नया वीडियो, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, की इसमें का साइकिल है, क्योंकि फ्रेंड्स एक ओल्ड साइकिल है, अपने बहुत दिन से साइकिल रखा था। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका सस्पेंशन कितना जाम बता रहा है, जबकि मैं कुछ भी कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो सस्पेंशन है ना, ये पूरा जाम हो गया, पूरा अंदर रस भर गया फ्रेंड्स, और पूरा बिल्कुल लॉक हो गया फ्रेंड्स। इसको किस तरह से रिपेयर किया था, इसके बारे में आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये जो सस्पेंशन ये है, मतलब कॉमन सस्पेंशन, बहुत ही अच्छा वाला सस्पेंशन है। इसमें फ्रेंड्स लॉकआउट है, देख सकते हैं इसमें लॉकिंग का सिस्टम दिया, पर ये बिल्कुल भी चालू नहीं है। तो यहाँ पे प्रीलोड है फ्रेंड्स, देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बहुत हिल रहा है, पर बाकी ये वाला तो बिल्कुल हिल ही नहीं रहा है, और फ्रेंड्स बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। ये जो वर्क करता है ना फ्रेंड्स, ये वर्क नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। देख सकते ये अलॉय फोर्क है फ्रेंड्स, ये वाला ना एल्यूमिनियम का फोर्क है, देख सकते इम्पोर्टेड फोर्क है। यहाँ पे भी आपको एक स्लॉट दिया रहता है, ये अपना वायर केबल का, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये सस्पेंशन है। पर इसको किस तरह से रिपेयर किया जाए, इसके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में। इसको पूरा पूरा खोल के बताऊंगा किस तरह से पूरा ओपन होता है, किस तरह से इसको रिपेयर किया जाता है, फिर फुल रिपेयर करके और फुल ग्रीस करके बताऊंगा किस तरह से इसको चालू करने का है। देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी हिल नहीं रहा, क्योंकि बिल्कुल ये स्टक पड़ा है। आपको मैं पूरा वीडियो बताऊँगा किस तरह से इसको रिपेयर किया जाता है, वीडियो में बने रहेगा। फिर चलते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो हेडसेट आपका ये पूरा आपको खोलना पड़ेगा, जितना भी ये स्क्रू है, दो साइड का स्टेम का और आपका टॉप कैप का। और फ्रेंड्स आपको अगर खोलने नहीं आता है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ फटफट। सबसे पहले टॉप कैप को खोलने का, उसको पूरा लूज करके टॉप कैप को पूरा बाहर निकालना पड़ेगा। ये बाहर आ गया, इसको साइड में रखने के, फिर आपको साइड का जो है स्टेम का बोल्ट, इसको भी आपको लूज करना है। इसको आपको सिर्फ लूज करना है ताकि आपका हैंडल बाहर आ सके। देख सकती है इस तरह से बाहर आ गया सिंपल। बस अभी आपको स्पेशल को निकालना पड़ेगा, थोड़ा मेरा स्पेशल जाम बताया, थोड़ा सा मैं WD-40 स्प्रे कर देता हूँ इस तरह से, ताकि लूज होके आराम से निकल जाए। अभी आपको क्या करना होगा, कपड़ा लेना पड़ेगा इस तरह से, और ये मंकी पकड़ से थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करना पड़ेगा, ताकि आपका ये स्पेशल बाहर आ सके। इस तरह से आपको थोड़ा पकड़ से पकड़ के थोड़ा रोटेट करना होगा, अगर आपका जाम है तो। देख सकते हैं एक स्पेशल निकल गया, ये दो निकल गया, ये भी जाम है, थोड़ा इसको भी ट्विस्ट करता हूँ। देख सकते हैं लास्ट वाला भी बहुत ज़्यादा जाम बता रहा था, पर ये फाइनली मेरा निकल गया। पतला वाला स्क्रू ड्राइवर लेके ये जो इसका वाटी है ना, यहाँ पे इस तरह से आपको थोड़ा सा हैमर करना होगा, तो भी चीज़ से ठोकेंगे तो थोड़ा सा नीचे जाएगा, और फिर ये जो स्टील कैप है आपका बाहर आ जाएगा। देख सकते इस तरह से आपको इसको निकालना पड़ेगा, जब आपका बहुत ज़्यादा रस्ट हो जाता है तो आपका बिल्कुल भी ये वाटी नहीं निकलेगा। देख सकते ये सब स्टील कैप है, देख सकते ये भी पूरा निकल गया है। देख सकते बैरिंग आ गया है फ्रेंड्स मेरा, देख सकती है पहला बैरिंग है और एक नीचे बैरिंग रहता है, इसमें दो बैरिंग रहते हैं इस तरह से सेम। अभी इतना निकल गया फ्रेंड्स ये पूरा, अभी आपको ना जो फोर्क है, जो डिश मशीन है ना, उसको आपको निकालना पड़ेगा और टायर को भी निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको ये फोर्क अलग होगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि फोर्क पूरा अलग हो गया है, नीचे का एक डस्ट कैप और अपना बैरिंग भी, उसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे प्रीलोड है, यहाँ पे लॉकआउट है, और देख सकते हैं कितना ये पूरा सस्पेंशन पूरा ख़राब हो चुका है। अभी इसको मैं इसको इस तरह से रखता हूँ, बिल्कुल भी ये हार्ड है बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा जाम है। अभी मैं आपको बताऊँगा इसको इस तरह से खोलने का फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सस्पेंशन को मैंने अपने साइकिल से निकाल लिया है, अभी मैं सस्पेंशन खोलने जा रहा हूँ। देख सकते हैं जो कैप है ना, ये कैप को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं जो कैप है इसका, इसका पानी इस तरह से लगता है, देख सकते हैं ये इस तरह से लग गया। बस सिंपल इस तरह से आपको खोलने का, ये आपका कैप खुल जाएगा। अगर आपके पास ये पाना नहीं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा WD-40 स्प्रे कर देता हूँ इस तरह से। आपको जो गैपिंग है ना, गैपिंग के अंदर आपको बस पाने को रख देने का है, और ये आराम से बैठ जाता है इस तरह से, और फिर आपको इसको लूज करना होगा। देख सकते ये खुल गया है, और अगर बहुत ज़्यादा जाम रहेगा ना फ्रेंड्स, तो आपको इस तरह से रख के और यहाँ से आपको हैमर करते हुए चले जाने के, तो आपका और आराम से खुल जाएगा जाम वाला भी। देख सकते हैं ये खुल गया मेरा एक साइड का कैप,
देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये साइड से मेरा स्प्रिंग पूरा निकल आ रहा है। इस तरह से आपको पूरा खींचना होगा और इस तरह से पूरा स्प्रिंग आ जाएगा। देख सकते हैं स्प्रिंग का क्या हालत हो गया है, पूरा एकदम ख़राब होने आया, ये पूरा रस्से भर गया है फ्रेंड्स। उसको अच्छे से पूरा सर्विस करना पड़ेगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि स्प्रिंग मैंने निकाल दिया है। अब मैंने सस्पेंशन को पलट दिया है ताकि मैं ये दोनों जो स्क्रू है मेरा 10 नंबर का ये जो नट है इसको निकाल सकूँ दोनों फ्रेंड्स, इधर भी है और इधर भी है। ये दोनों मैं खोल दूंगा तो फिर मेरा ये दोनों अलग हो जाएगा। सबसे पहले इसको मैं खोल लेता हूँ। इस तरह से देख सकती 10 नंबर का नट है, ये आराम से मेरा खुल गया। देख सकते हैं एक साइड का खुल गया मेरा। देखिए मैंने सिर्फ बोल्ट को लूज किया है तो कितना पूरा पूरा ऑयल और गंदा गंदा पानी फ्रेंड्स पूरा ये निकल रहा है। देख सकते हैं कि दोनों साइड का मैंने बोल्ट खोल लिया है। अब बस आपको इस पर थोड़ा सा कपड़ा रख के इसको हैमर करना होगा ताकि ये चीज़ अलग हो सके और ये चीज़ अलग हो सके आपका सस्पेंशन का। ये अपर लेग है, ये लोअर लेग है। अभी आपको इस तरह से रख के हल्का हल्का हैमर करना होगा। देख सकते हैं इतना ज़्यादा पूरा निकल गया आराम से। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पूरा आ गया है। अपन लेकर कितना बुरा हालत हो गया, पूरा खराब हो चुका है फ्रेंड्स। देख सकते हैं कितना खराब हो चुका है फ्रेंड्स। अभी आपको क्या करना होगा, जितना भी आपका सारा पार्ट्स है ना सस्पेंशन को, उसको अच्छे से क्लीन करना होगा। देख सकते हैं इसमें कितना डस्ट है, पूरा मिट्टी है फ्रेंड्स। ये पूरा देख सकते हैं कितना इसमें मिट्टी है, इसको पूरा अच्छे से क्लीन करना होगा फ्रेंड्स। ये लोअर लेग है। अपर लेग को भी अच्छे से मैं बताऊँ किस तरह से क्लीन करना है। सबसे पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ। आपको सरफ के पाउडर से अच्छे से क्लीन करना होगा। देख सकते हैं सरफ का पूरा पाउडर है, इसको थोड़ा सा गीला करके अच्छे इसको सीधा डायरेक्ट सरफ से धोने का फ्रेंड्स, एकदम अच्छे से आपका साफ हो जाएगा, एकदम क्लीन होना चाहिए। बिल्कुल भी आपका ओल्ड ग्रीस मिट्टी उट्टी कुछ भी नहीं रहना चाहिए। देख सकते हैं कितना इसमें रस्ट लगा है। और फ्रेंड्स रस्ट के लिए अगर ना जाए ना फ्रेंड्स, सबसे पहले इस तरह से आप सरफ लगाइएगा थोड़ा, फिर आपको इस तरह से सैंड पेपर लेना होगा, थोड़ा इसको भिगा के इस तरह से आपको घसना होगा। देख सकते हैं कितना जल्दी ये रस छोड़ दे रहा है सब। इस तरह से आपको इसको पूरा क्लीन करना होगा। देख सकते हैं इस तरह से आपको पूरा क्लीन करना होगा ताकि ये पूरा अच्छे से नया जैसा हो जाए। जब भी आपका रस लगा रहेगा ना, 220 नंबर सैंड पेपर की मदद से इसको क्लीन कीजिएगा। कोई भी रस्ट पार्ट जो भी रस्ट रहेगा ना, उसको अच्छे से घस दीजिएगा, पूरा क्लीन कर दीजिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को भी अच्छे से आपको क्लीन करना होगा। एक भी रस्ट इसमें नहीं रहना चाहिए और ना ही ओल्ड ग्रीस, एकदम पूरा नया जैसा बनाना पड़ेगा। जितना उसे उतना आपको क्लीन करना पड़ेगा अच्छे से। इसको मैं पूरा फुल क्लीन करता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि ये वाला हिस्सा मैंने इसको साफ किया है, जो कि देख सकते हैं जो काला वाला हिस्सा है ना सेम ये भी इधर ही था। इसको मैंने साफ किया है फ्रेंड्स एक पाउडर की मदद से ताकि पूरा क्लीन हो गया। जितना भी रस्ट का जो कलर छोड़ देता है ना फ्रेंड्स, रस्ट रहता है, फिर रस्ट आपने क्लीन किया, फिर इस तरह से आपको ना एक कलर छोड़ देगा, ये कभी नहीं जाएगा फ्रेंड्स। ये भी अगर इसको भी आपको रिमूव करना है ना, तो एक खास तरह का पाउडर आता है स्टील पॉलिश या फिर क्रोमियम पॉलिश, तो इस तरह से आपको इसको लेना पड़ेगा। देख सकते हैं जो चीज़ है ये है क्रोमियम पॉलिश, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है क्रोमियम पॉलिश। इसको आप इससे मैंने इसको घस दिया अच्छे से, तो पूरा एकदम अच्छा दिख रहा है फ्रेंड्स, पूरा साफ हो गया, बिल्कुल भी कलर भी फ्रेंड्स ही निकल गया। देख सकते हैं इसके मुकाबले में फ्रेंड्स कितना अंतर है फ्रेंड्स। इसके लिए फ्रेंड्स अगर आपको इस तरह से रस्ट लगा रहेगा, रस्ट लगाने के बाद भी अगर आपको इस तरह से काला काला भी रहेगा, तो आप इसको यूज़ कर लीजिएगा, तो पूरा आपका क्लीन हो जाएगा। इस तरह से मैंने पूरा क्लीन किया है और अभी आपको मैं बता भी देता हूँ किस तरह से इसको क्लीन करने की, ये वाला हिस्से को भी। देख सकते हैं इस तरह से पाउडर लेना है आपको थोड़ा सा इसमें, और फ्रेंड्स ये ज़्यादा महंगा भी नहीं, 30 रुपये का मैंने फ्रेंड्स इतना लिया है, जो कि आराम से ये आपका पूरा क्लीन कर देगा। इस तरह से पाउडर लेके थोड़ा सा इसमें पानी मिलाने का, इसको अंदर पानी मिलाने का है, इस तरह से इतना पानी मिलाएगा, फिर थोड़ा सा और मिला देता हूँ, थोड़ा पेस्ट बनाने का इसका, इस तरह से थोड़ा सा इसके अंदर
इसको पूरा पेस्ट कर देने का, इस तरह से मिला के मिक्स करने का है। इससे आपका फ्रेंड्स आप इससे घसेंगे तो एकदम आराम से इसका आपको पूरा क्लीन कर देगा, पूरा चमका देगा फ्रेंड्स आपका। देख सकते हैं ये थोड़ा सा और पतला हो गया, थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा पतला हो गया फ्रेंड्स। अब ये थोड़ा और मैं मिला देता हूँ। अब देख सकते हैं ये वाला, इसको फ्रेंड्स स्कॉच ब्राइट बोला जाता है। इस तरह से आपको इसको काथा लेने का है और इस तरह से आपको इसमें इस तरह से लेने का है हाथ में। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा काला है, इसको आपको इस तरह से रख के घसने का है। आपको इस तरह से घसते रहने का और आपका धीरे 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 पूरा चमका देगा फ्रेंड्स ये, क्योंकि फ्रेंड्स ये रस्ट का जो पूरा सड़ जाता है ना फ्रेंड्स, वो चीज है, इसको निकालना आसान नहीं है फ्रेंड्स। आपको धीरे धीरे मेहनत करना पड़ेगा तो जाके आपका पूरा क्लीन हो जाएगा, पूरा नया जैसा दिखेगा। मैंने इतना देर तक घसा है, अभी आपको थोड़ा सा इसको आपको कोसना होगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना क्लीन हो गया जल्दी, देख सकते हैं पूरा रस्ट है ना, ये पूरा आपका कलर आराम से पूरा ये पूरा सिल्वर कर देगा फ्रेंड्स। आप इसी तरह से घसते रहेंगे ना तो आपका पूरा धीरे 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 पूरा क्लीन हो जाएगा। इसी तरह से ये भी पूरा काला था फ्रेंड्स, इसको मैं पूरा घस घस के पूरा साफ कर दिया फ्रेंड्स। इस तरह से आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तो जाके आपका साफ होएगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सस्पेंशन का सारा सामान मैंने सारा पार्ट जो एकदम क्लीन कर दिया है। देख सकते हैं स्प्रिंग का फ्रेंड्स कितना अच्छा मैंने क्लीन किया फ्रेंड्स, पूरा अच्छे से इसको मैंने घसा है सैंड पेपर की मदद से। देख सकते हैं कैसा था फ्रेंड्स और ये कैसा मैंने कर दिया। इस तरह से आपको क्लीन करना होगा पूरा सस्पेंशन का सारा पार्ट्स। और देख सकते हैं फ्रेंड्स ये अपर लेग फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना फ्रेंड्स जंग था पूरा, मैंने इसको सैंड पेपर से घसा फिर क्रोमियम पॉलिश से घसा फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैं बताया था। अब देख सकते हैं दोनों साइड से कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स ये। इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा एकदम परफेक्ट तरीके से। और ये फ्रेंड्स लोअर लेग भी देख सकते हैं कितना फ्रेंड्स क्लीन कर दिया मैंने पूरा अंदर तक फ्रेंड्स आपको पूरा क्लीन रहना चाहिए। देख सकते हैं अंदर तक कितना पूरा क्लीन है, बिल्कुल भी इसमें मट्टी डस्ट कुछ नहीं है, अब एकदम अच्छे से ये हो गया है। अब आपको मैं ये बताऊंगा किस तरह इसको इंस्टॉल करने का, वापस से किस तरह से ये असेंबल होएगा। सबसे पहले पूरा पार्ट्स में ग्रीस होएगा अच्छे से और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से इसको असेंबल किया जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये मेरा अपर लेग, इसमें मैं ग्रीस करने जा रहा हूँ। ग्रीस में कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, कैस्ट्रॉल का, जो कि लिथियम बेस्ड है, तो आपको लिथियम ग्रीस इस्तेमाल करना होगा। ये सस्पेंशन रहता है तो जितना हो सके उतना अच्छा क्लीन ग्रीस एकदम इस्तेमाल कीजिएगा। देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रीस है ये, जितना आप अच्छा ग्रीस यूज करेंगे उतना आपका सस्पेंशन स्मूथ रहेगा। इस तरह से आपको लगा देने का है ग्रीस को, अच्छे से ज़्यादा लगाइएगा ताकि आपका एकदम स्मूथ वर्क करे। देख सकते हैं अच्छे से मैंने ग्रीस को पूरा अच्छे से लगा दिया है हर जगह। और ये जो आपका लोअर लेग है इस तरह से, इसके अंदर भी आपको ग्रीस कर देना होगा। देख सकते हैं मैंने हर जगह ग्रीस कर दिया है। अब सिंपल ये जो आपका अपर लेग है लोअर लेग के अंदर आपको इस तरह से डालना होगा। देख सकते हैं इस तरह से आपको लोअर लेग को आपको डालना होगा, इस तरह से आपको अपर लेग को लोअर लेग में डालना होगा। देख सकते हैं ये चला गया पूरा, जितना भी ग्रीस रहेगा इस तरह से आप वापस ले लीजिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स दोनों साइड से अब मेरा स्क्रू का ये आ गया। अब इसमें मैं नट लगा देता हूँ इसी तरीके से, इस तरह से थोड़ा सा फंसाना होगा मेरे को। देख सकते हैं दोनों स्क्रू को सबसे पहले आपको टाइट करना होगा फुल। देख सकते हैं एक फुल टाइट हो गया फ्रेंड्स मेरा, फुल टाइट देना आपको ताकि आपको वापस लूज ना हो। देख सकते हैं एक साइड का टाइट हो गया, दूसरी साइड का भी इसी तरह से टाइट कर देता हूँ मैं फ्रेंड्स। अगर आपका एक साइड का घूमेगा ना तो इसको इस तरह से आपको नीचे से पकड़ के और इसको टाइट करना होगा। देख सकते हैं दोनों मैंने नट को टाइट कर दिया 10 नंबर को। अब आपको क्या करना होगा, इस तरह से आपको रखना होगा। अभी आपको रख के ना इसको वापस से नीचे करना होगा। देख सकते हैं नीचे हो गया और आपका जहाँ तक सस्पेंशन ऊपर उठता है ना वहाँ तक आपने इसको उठा दिया। देख सकते हैं इस तरह से आपका अपर लेग और लोअर लेग को ज्वाइन किया जाता है। जितना भी ग्रीस है इसको आप हटा दीजिएगा, इसमें डस्ट पकड़ेगा
स्प्रिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीस लगाइएगा। और इसका जो ये प्लास्टिक का कवर रहता है इसको मैं इसमें चढ़ा देता हूँ, इसको रोल करते हुए चले जाने का है और ये आपका कवर लग जाएगा। इससे क्या आपका जो भी जंग रहेगा ना, इससे आपका स्प्रिंग बचा रहेगा हमेशा। देख सकते हैं इस तरह से आपको सेंटर में लाके इसको कवर को छोड़ देने का है, लगा दीजिएगा एक साइड में। और अभी यहाँ पे आपका स्प्रिंग जाएगा, पर स्प्रिंग जाने से टालने से पहले आपको अच्छे से ग्रीस कर देना होगा अंदर इसके थ्रेड के अंदर, और भी अंदर थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे ना तो आपको एकदम परफेक्ट तरीके से स्मूथ रहेगा। और अभी आप देख सकते हैं जो स्प्रिंग का ये वाला हिस्सा है ना, होल वाला, आपको इसके अंदर इस तरह से डालना होगा। देख सकते हैं इस तरह से ही फिट हो जाता है, तो आपको इसको इसके अंदर इस तरह से डालना है ताकि आपका ये इस तरह से बैठ जाए, ताकि आपका इस तरह से ये बैठ जाए। कभी भी इस तरह से डालिएगा ये होल वाला। अभी आपको बस सिंपली इस तरह से स्प्रिंग को डाल देने का है। देख सकते हैं ये चला गया है। अभी फ्रेंड्स देख सकते हैं ये अपना बैरल रजिस्टर का जो कैप है, आपको इसके अंदर इस तरह रखना होगा, तो इसको दबाना होगा और फिर घुमाना होगा ताकि ये थ्रेड पकड़ सके। देख सकते हैं थोड़ा सा मेरा थ्रेड पकड़ा है तो अटका है, और अभी आपको इसको छोड़ना नहीं होगा और अच्छे से इसको दबा के टाइट करना होगा। और अभी आपको इस पाने की मदद से दबा के टाइट करना होगा। देख सकते हैं ये टाइट हो रहा है इसी तरीके से, और टाइम आपको फर्स्ट टाइम में थ्रेड नहीं पकड़ेगा, और आपको एकदम दबा के इसको ना टाइट करना पड़ेगा। जब आपका स्प्रिंग अंदर जाएगा ना तब इसका इसका थ्रेड पकड़ेगा, कभी भी ध्यान दीजिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स फाइनली सस्पेंशन मेरा बन गया है, और इसको मैं आपको चालू करके देख सकते हैं पूरा चल रहा है। देख सकते हैं किस तरह से ये वर्किंग कर रहा है, इसी तरीके से ये अपना अब पंप कर रहा है फ्रेंड्स। बस एक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, लॉकिंग नहीं चल रहा है, मेरे को लॉकिंग भी चालू हो जाएगा पर लॉकिंग नहीं चालू हो पाया, पर इसको कम अज कम बन गया फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये फ्रेंड्स इस तरह का सस्पेंशन बनता भी नहीं, कितना जाम था। फ्रेंड्स फाइनली मेरा सस्पेंशन पूरा बन के तैयार हो गया, वर्किंग भी कर रहा है आराम से। बस ये है कि थोड़ा लॉकिंग नहीं चल रहा है फ्रेंड्स, लॉकिंग और अनलॉकिंग नहीं हो पा रहा है, पर फ्रेंड्स ये पंप हो रहा है आराम अच्छे से। बस यही है फ्रेंड्स, थोड़ा लॉकिंग का लगता है ये बटन खराब हो गया फ्रेंड्स, उसको पूरा खोलना पड़ेगा। वो भी देखता हूँ मैं, ट्राई करूंगा, अगर वो भी बन जाएगा उसका भी मैं वीडियो आपको बना के बताऊंगा। और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और भी फ्रेंड्स मैंने सस्पेंशन को रिपेयर किया है, आप वो जाके वीडियो भी देख सकते हैं अच्छे से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।